अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सलमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक भगोने में पानी लीजिए थोड़ा, उसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच ऑयल डालें। ऑयल डाल के पानी बॉयल होने आया जब मैं फुल पैकेट नूडल्स डाल रही हूँ। इसको आधा पकने तक रखिए, ज़्यादा कुक नको करो इसको। नूडल्स हाफ बॉईल हो चुके हैं, इसे पानी से सेपरेट कीजिए और सेपरेट करने के बाद उसके ऊपर से ठंडा पानी डालें। अगर आप हम पानी से सेपरेट कर लिए इसको नूडल्स को, अगर आपके नूडल्स स्टिक बनते हैं तो ये टिप याद रखिए। एक 1 स्पून ऑयल डालिए उस पर, ऑयल डाल के 5 मिनट हवा को रखिए। आपके इसको नूडल्स खुले खुले बनेंगे होटल स्टाइल। अंडे, कैबेज, कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम नूडल्स, फुल पैकेट नूडल्स, कोथिमीर, प्याज, सोया सॉस, चिली सॉस, नूडल्स मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक, काली मिर्ची, एक पिंच टेस्टी पाउडर। चलिए नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चाहिए तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं। हमारे पास फुल पैकेट नूडल्स है इसलिए कढ़ाई में बना रहे हैं। ये चमचे से 3 चमचे ऑयल डालिए, 3 स्पून ऑयल डालिए। अगर इसका हाफ बना रहे हैं तो इसका सब मेजरमेंट हाफ लीजिए। ऑयल बॉयल होने के बाद एक फ्राई करेंगे। जब तक नूडल्स को हवा को रखिए, आपका नूडल्स चिपकेगा नहीं, खुला खुला बनेगा। नूडल्स के ऊपर ऑयल डाल के नूडल्स खुला खुला हवा को रखिए 5 मिनट। जब तक आपका सब ग्रेवी रेडी हुए तक आपका ये हवा को रखिए, आपका नूडल्स चिपकेगा नहीं, खुला खुला बनेगा। ये टिप्स याद रखिए आप। हमारा ऑयल गर्म होने आ गया। हम 2 एग लिए थे, 2 एग डाल रहे हम। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बगैर एग के भी बना सकते हैं। एक स्किप कर दीजिए, वेजिटेबल डाल के बना सकते हैं आप। हम 2 एग डाल रहे हैं, फुल पैकेट है। तो एक फ्राई हो गए तो एक सेपरेट कीजिए। फ्लेम को कम कीजिए, कम करके पूरा एग सेपरेट ऑयल से सेपरेट कीजिए। अगर आप इस तरीके से बनेंगे तो आपके नूडल्स होटल स्टाइल बनेंगे।
हम एक सेपरेट कर लिए। अब हम उसमें डालने जा रहे हैं एक कप कैबेज। फ्लेम को हाई कीजिए, हाई फ्लेम पे बनता है इसको। कैबेज थोड़ा लाइट फ्राई होने के बाद इसमें दूसरे वेजिटेबल मिक्स करेंगे एक एक करके। आधा कप कैरेट आधा कप कैप्सिकम, आधा कप बीन, इस सभी को हाफ फ्राई करेंगे। फुल फ्राई नहीं करना इसको, सबको हाफ फ्राई करना। अब हमारे वेजिटेबल हाफ कुक होके हो चुके हैं। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये स्पून से 1 स्पून सॉल्ट, 2 स्पून चिली पाउडर, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर, 1 पिंच सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर, ये टेस्टी पाउडर है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। डालने से होटल स्टाइल टेस्ट आता है आपको। 1 पिंच डालिए टेस्टी पाउडर। ये नूडल्स मसाला है, हर स्टोर में अवेलेबल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आप। 1 पाउच डाल रहे हैं, 1 नूडल्स पैकेट टू 1 पाउच डाल रहे हैं। अगर आप हाफ पका रहे तो उसका हाफ मसाला डालिए। मसाले को फ्राई कीजिए, फ्लेम स्लो रखिए। और इसमें हम 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस डाल रहे हैं। वन टेबल स्पून चिली सॉस, डाल के मिक्स कीजिए। हाफ कप वाटर डालने से ग्रेवी रहे तो आपका नूडल्स चिपकेगा नहीं, खुला खुला बनता। वाटर ज़्यादा नहीं डालना, एक गिलास से 1 कप चाय की कप से 1 कप डाल दें। फ्लेम को हाई कीजिए। जो एक बॉइल कर एक फ्राई करके निकाले ना, वो एक इसमें मिक्स कर दीजिए।
हाफ कुतनी डालें। अगर आपके पास पास ग्रीन ऑनियन है तो डाल सकते हैं आप, मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कुतनी डाल रहा हूँ। फ्लेम को स्लो कीजिए। नूडल्स मिक्स करें। चलिए नूडल्स डाल के मिक्स कीजिए, हाई फ्लेम पे मिक्स कीजिए। देखिए हमारे नूडल्स जरे भी स्टिकी नहीं हुए, खुले खुले बने होटल स्टाइल। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारा नूडल्स रेडी हो गया सर्व करने के लिए, रेडी टू ईट। देखिए हमारा नूडल्स खुला खुला बना है। चलिए सर्व करते हैं। हाफ कप के प्याज है, अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, अगर नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और जो बचा हुआ कुछ मिर्च है ना वो भी मिक्स कर दें। चलिए सर्व करते हैं। हमारा हक्का नूडल्स रेडी है होटल स्टाइल। देखिए खुला खुला बना, आप भी ट्राई कीजिए। जो टिप्स दिए वो टिप्स से बनेंगे तो आपका भी नूडल्स ख़राब नहीं होगा, अच्छा बनेगा खुला खुला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा दिखता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।